नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ हूं मैं लवीना राजे। बड़ी खबर के साथ करेंगे शुरुआत। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की रणभूमि से चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं। क्रांति भूमि मेरठ की सरजमी पर पीएम मोदी आज गरजने वाले हैं। पीएम मोदी की होने वाली इस रैली की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीए का कुनबा भी पीएम मोदी के साथ मंच साझा करने वाला है। ये रैली इसीलिए भी बहुत अहम हो जाती है क्योंकि लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पीएम की पहली रैली होने वाली है। इस रैली में पीएम मोदी के साथ मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय और राज्य मंत्री भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर आज मौजूद रहने वाले हैं। चुनाव के लिहाज से आज की रैली बहुत खास होने जा रही है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर पर प्रधानमंत्री की लोकसभा के लिहाज से पहली रैली है। आपको बता दें, तैयारियां पुख्ता यहां पर पूरी कर ली गई हैं। यूपी में एनडीए का जो पूरा कुनबा है वो एक साथ एक मंच पर दिखाई देने वाला है। एक बहुत बड़ी पिक्चर राजनीति के लिहाज से आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आने वाली है। और आज दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया की 28 राजनीतिक पार्टियां केंद्र सरकार के खिलाफ लोकतंत्र बचाओ रैली करने वाली हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आयोजित इस रैली को विपक्ष की एकजुटता के तौर पर देखा जा रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि ये किसी एक व्यक्ति या पार्टी केंद्रित रैली नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए इंडिया के 28 दलों की रैली है और इसमें सभी दलों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। रैली का मकसद बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, विपक्ष के नेताओं पर केंद्र की एजेंसी की तरफ से हमले और विपक्ष की नेताओं की गिरफ्तारी और कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज समेत तमाम ऐसे दूसरे मसले रहने वाले हैं जिन पर केंद्रित ये आज की रैली होने वाली है और इसी पर सबकी नजर रहेगी। और इस महारैली के जरिए इंडिया गठबंधन के नेता एकता दिखाने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का ये कहना है कि हमारा सीट शेयरिंग का नहीं बल्कि विचारधारा का ये गठबंधन है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी इसे ठगबंधन और भ्रष्टाचारियों का गठबंधन बता रही है। जून से लेकर हम इंडिया जनबंधन के प्रयास में थे। खड़गे जी, राहुल जी, सोनिया जी सब लगे हुए थे और सिर्फ दो ही पार्टियां हैं, एक तो नीतीश कुमार जी पलटी कर गए और दूसरे आरएलडी छोड़कर चला गया। पर आरएलडी तो असली आरएलडी नहीं था, जो असली आरएलडी है हमारे साथ ही। रामलीला मैदान में सभी पार्टियां मौजूद होंगी और लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ नारा को लेकर एक महारैली का आयोजन किया गया है। तो एकजुटता है, हम एकजुट हैं। हम ठीक है, एक दो पार्टियों के साथ हमारा सीट शेयरिंग फॉर्म समझौता नहीं हो पाया है। तृणमूल